उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। सीएम लगातार कर रहे हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, राहत और बचाव कार्य का ले रहे हैं जायजा। पौड़ी गढ़वाल में वाल्मीकि जयंती की धूम, वाल्मीकि मंदिर में की गई पूजा अर्चना, कर्तव्यों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। बागेश्वर जिले में 4 पर्यटकों की मौत, आपदा में मृतकों की संख्या में हुआ इजाफा, कई लोग अभी भी फंसे हुए। भारत चीन सीमा पर लापता 3 पोर्टरों के शव बरामद, बर्फ में दबे पाए गए थे पोर्टर, गश्त के दौरान आईटीबीपी की टीम से बिछड़ गए थे तीनों पोर्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून में देश के गृह मंत्री अमित शाह आपदा ग्रस्त इलाकों के हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं। साथ ही अमित शाह के साथ आपको बता दें राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। हवाई सर्वेक्षण के बाद गृह मंत्री अमित शाह जौली ग्रांट एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथि गृह पहुंचेंगे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं, कल से ही उत्तराखंड के दौरे पर हैं अमित शाह। लगातार जिस तरह से बारिश की वजह से हालात जब खराब हुए थे, उसी का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। आज बाढ़ ग्रसित इलाकों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद अब जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर वो वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि लगभग 6,000 करोड़ से ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है, और आज पूरी रिपोर्ट विधिवत मिल जाएगा। देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और सामान्यतः बरसात लगभग जब कह रहे थे कि मानसून समाप्ति की ओर है, तब ये घटना घटी है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार से इस घटना की गंभीरता को लेते हुए और हर संभव मदद देने का जिस प्रकार ऐलान किया है, तो मैं निश्चित रूप से इस उत्तराखंड राज्य के प्रति जो हमेशा से रहा है, तो वो कहीं ना कहीं नज़र आया है। आज स्वयं गृह मंत्री जी कल रात यहाँ आए हैं और आज पूरा हवाई सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद संगठन के लोगों के साथ भी बैठना होगा। उद्धम सिंह नगर पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते यहां पर मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और निरीक्षण भी कर रहे हैं, साथ ही राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि आपदा में अब तक 47 लोगों की उद्धम सिंह नगर में मरने की पुष्टि हो चुकी है। तो उद्धम सिंह नगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भारी तबाही उद्धम सिंह नगर में मची, और अब तक सिर्फ उद्धम सिंह नगर में 47 लोगों की जान जा चुकी है। पहले जैसे दुरुस्त करें, मैं स्वयं सभी जगह पर जा रहा हूं। हमारे सभी मंत्रीगण भी इस काम में लगे हैं, हमारे विधायकगण लगे हैं, सारे संगठन के लोग लगे हैं। हम सभी जो हमारे जो भी सक्षम लोग जो इस समय सेवा कर सकते हैं, राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उद्यम संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग आगे आएँ और ऐसे आपदा के समय में सभी लोग मदद करें, और सभी का चूँकि आह्वान करता हूँ। और ऐसे समय में जो हमारे मंत्री, विधायक या अन्य अधिकारीगण जो भी लगे हुए हैं इस काम में, आपदा के काम में, वो अपने साथ भीड़ लेकर भी न जाएं। मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि भीड़ ले जाने से वहाँ पर लोगों को परेशानी होती है, और हम पूरी तरह से जो हमारा काम है कि जो लोगों को खाद्यान्न ठीक प्रकार से पहुँचे, यहाँ पर आज हम लोगों ने SDRF के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लोगों तक खाना पहुँचाने का काम किया है। सारे मार्ग खुल गए हैं, अभी 3 मार्ग बंद हैं। जो पर्यटक हमारे बाहर से आए हुए हैं, उन पर्यटकों को भी हम जल्दी से जल्दी सभी जगह निकालने की व्यवस्था हो रही। सारे वैकल्पिक मार्ग हमने खोल रखे हैं,
और उधर चार धाम यात्रा भी हमारी चालू हो गई है और एक आध दिन में मौसम और अच्छा हो जाएगा। हालांकि नुकसान बहुत हो गया लेकिन उसके बावजूद भी इसमें समय लगेगा। हम लोग जो है फिर से दोबारा से इसके पुनर्निर्माण के काम को तेज़ी से बढ़ाएंगे, उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाएंगे सब लोगों के सहयोग से। इसमें कोई राजनीतिक पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी लोगों का मैं आह्वान करता हूँ कि सभी लोग आएँ और इस आपदा से सबको उबारने में अपना सहयोग प्रदान करें। लक्सा केंद्र लोक पैलेस में मानसी संस्था की तरफ से लक्सा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु की देखभाल के लिए 3 दिन से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शीतल सिंह और शाहजहां सुल्ताना ने बताया कि जब नवजात शिशु होता है तो उसका वजन 0 से लेकर 28 दिन तक का होता है, तो उसको किस तरीके से लिया जाए इन सभी जानकारियों के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नवजात शिशुओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। ऐसे में ये प्रशिक्षण कराया जा रहा है और ऐसे में जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि नवजात बच्चों को किस तरह से दिया जाए, किस तरह से उनका पालन पोषण किया जाए, इस चीज़ को लेकर तमाम जानकारियाँ उनको दी गई थी। सारी देखभाल के ऊपर प्रशिक्षण था, ये 3 दिन का प्रशिक्षण था जिसमें हमें बच्चों और गर्भवती महिलाएं, धात्री और किशोरी और किशोरों के लिए जो हम गृह आधारित देखभाल करते हैं यानी घर रह के भी उनके साथ उनका जो उनकी समस्याएं उनका परामर्श वगैरह कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग में हमें जो चीज़ें नहीं पता थी काफ़ी चीज़ों का पता हुआ और हमारे इस ट्रेनिंग में काफ़ी एक्सपर्ट लोग भी आए हैं जिन्होंने अपनी जानकारी हमसे साझा की। और जो हमारी ये मानसी एक संस्था है उसके द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया है, इसमें हमारी गर्भवती महिलाएं को कि हमें उनकी देखरेख कैसे करनी है और हाँ गर्भवती महिलाओं को कैसी देखरेख करनी है, उनका दौरा करना है, एवं धात्री महिलाओं के लिए कि अपने नवजात शिशु को किस तरीके से उनको देखभाल करनी है, उनको कैसे खान मतलब कि दूध पिलाना है और यहाँ पर बच्चों का वज़न मतलब किस तरीके से लेना है कि जब नवजात शिशु होता है कि जब 0 से 28 दिन का होता है तो उसको किस तरीके से उनका वज़न लिया जाता है। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें आज तक नहीं पता थी। पौड़ी गढ़वाल में वाल्मीकि जयंती को लेकर काफी धूम रही। वाल्मीकि समाज ने पहले वाल्मीकि मंदिर में भगवान वाल्मीकि की पूजा अर्चना की और भंडारे का आयोजन करते हुए भगवान वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज ने हैरत में डालने वाले कर्तव्यों के साथ साथ भगवान शिव पार्वती और श्री राम समेत कई देवी देवताओं की पद यात्रा भी निकाली। तो तस्वीरें देख सकते हैं ये पौड़ी की जहाँ पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की गई, उसके बाद ये शोभा यात्रा निकाली गई, कर्तव्य दिखाए गए और ऐसे में भारी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। जनता को अपने संदेश देना चाहेंगे कि भाईचारा जिस प्रकार से उन्होंने रामायण लिखी और रामायण में उदाहरण दिए कि भाइयों में प्यार, माता पिता का आदर, भाभी का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है, आज भी उन्हीं आदर्श पे हम लोगों को चलना चाहिए। और ये संदेश गढ़वाल घर में जहाँ राम को मानते हैं, राम रचयिता जिन्होंने राम का जीवन 14,000 वर्ष पूर्ण लिखा वो भगवान वाल्मीकि जी थे, और उनकी शोभा यात्रा हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आगे भी मनाते हैं। वाल्मीकि भगवान जो है हमारे गुरु, उनका प्रकट दिवस था, उनका हम शोभा यात्रा के उसमें मना रहे हैं। जो रामायण रचयिता जिन्होंने रामायण हजारों वर्षों पहले लिख दी, जिनके चरित्र पर राम जी चले हैं, उनके हम शिष्य हैं, वो हमारे भगवान हैं, उनकी आज शोभा यात्रा हम अपने मन से पूरे धन दौलत दिल से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं साथ में अपने समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से भी जितने भी व्यापार सभा है, हमारे व्यापारी भाई हैं, बोड़ी की महान जनता है, उन सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूँ। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद में देर रात 7 अखाड़ों ने बैठक करके अपना अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव कर लिया है, जिसके तहत नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को दी गई है, जबकि बैरागी अखाड़े को महामंत्री का पद दिया गया है, जिसमें राजेंद्र दास महाराज को अखाड़ा परिषद का नया महामंत्री बनाया गया है। तो राजेंद्र दास को महाराज बने हैं, वो महामंत्री बने, ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ ये नजर आया है, पद दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि राजेंद्र दास महाराज को अखाड़ा परिषद का नया महामंत्री बनाया गया है।
तो आपको बता दें ये सात अखाड़ों ने बैठक करके अपना अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव कर लिया है, जिसके तहत नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी को दी गई है, जबकि बैरागी अखाड़े को महामंत्री का पद दिया गया है, जिसमें राजेंद्र दास महाराज को अखाड़ा परिषद का नया महामंत्री बनाया गया है। सितारगंज में क्षेत्रीय विधायक सौरव बहुगुणा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के से दौरा कर वापस लौट रहे थे, तभी विधायक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी पर गांव के एक युवक ने उस समय गाली गलौज कर हमला कर दिया, जिस समय क्षेत्रीय विधायक सौरव बहुगुणा ग्राम गुरु नानक नगरी से वापस लौट रहे थे, जिसके बाद विधायक सौरव बहुगुणा ने आरोपी युवक के खिलाफ सितारगंज कोतवाली में शिकायत कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो सितारगंज का ये पूरा मामला है, विधायक ने कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र का दौरा कर लौट रहे थे, उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी से एक युवक ने बदतमीजी की, गाली गलौज की, और ऐसे में अब विधायक ने कार्रवाई की मांग की है और इसका पूरा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। उठा गया था, इससे थोड़े से आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा बरसात हुई है क्षेत्र में, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हैं, और मैं उसी के क्रम में आज कल मैं सच्ची फार्म में था, आज मैं गोटा बुनाने मिल गया था, और मैं वहां से जब वापस आया तो वहां पर सिकंदर कुमार जो पिछले डेढ़ दो महीने से लगातार पार्टी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, माननीय मोदी जी के खिलाफ लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं, उन्होंने महिलाओं और बच्चों को मेरी गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया। मैंने अपने गार्ड को और अपने समर्थकों को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए कि कोई भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई भी गतिविधि नहीं करेगा। और नामक एक पुलिस कांस्टेबल हमारे यहाँ आए हैं, जिनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है, तो इनके जो मैन छोटे हैं उनके साथ वो उनके सीने पे हैं, और उसमें जो कंफ्यूजन आए हैं, कंटिन्यू चूँकि मल्टीपल कंफ्यूजन्स हैं, तो उन सारे कंफ्यूजन्स के अकॉर्डिंग उनकी रिपोर्ट भी तैयार की गई है और उनका उपचार भी किया जा रहा है, तो फिलहाल वो हमारे यहाँ भर्ती हैं। उत्तराखंड में आई आपदा में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 54 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं 5 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। इसी के साथ ही आपदा में 46 मकान भी जमींदोज हो चुके हैं, तो उत्तराखंड में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, 54 लोगों की मौत हो चुकी है, इसकी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है, और अभी भी कई लोग लापता हैं, साथ ही 19 लोग ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि इस आपदा में भारी नुकसान तो हुआ ही है, आपदा में 46 मकान भी जमींदोज हो चुके हैं। अट्ठारह अक्टूबर को हुई बारिश से जहां उत्तराखंड में हालात खराब चल रहे हैं, वहीं थराली विधानसभा में भी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। आपदा के 72 घंटे बाद भी कलवादम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग थराली से हरमनी के बीच बाधित ये चल रहा है, वहीं थराली से गरवालदम के बीच देर रात करीब 10 बजे बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग को खुलवाया, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से गुस्साए यात्रियों ने प्रशासन की सुस्ती पर रोष जताते हुए अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। से फंसे हैं 4-5 बजे से, और सुबह से 11 बजे से यहाँ ही खड़े हैं जहाँ जी चल रही है, लेकिन कोई भी प्रशासन नहीं आया है, किसी तरह की भी किसी यात्री से ये नहीं पूछा जा रहा भाई कितनी परेशानी तुम्हें हो रही है, नहीं हो रही है, कोई बीमार है ऐसा भी है, पेशेंट घर से भी बेचारों ने पार करा के गाड़ी भर दी है, लेकिन कोई नहीं है। अच्छा नहीं लगा कि इस लाइट की बात करें तो कब से यहाँ पे मशीन काम कर रही है? मशीन सुबह 9-10 बजे से काम कर रही है, अभी भी खुल नहीं पाई, टूटी फूटी मशीन है, खराब हो जाती है, बहुत खराब गर्म हो जाती है, पुरानी मशीन है, कभी पाइप फट जाता है। बीआरओ का जो एक बंदा आया था वो यहाँ पे अवेलेबल था पहले मॉर्निंग में, लेकिन वो उसके बाद उसको कई बार हम लोगों ने बोला कि आप कम से कम जेसीबी जो है आप मंगवा लो दूसरी, लेकिन वो अपडेट नहीं किया। फिर उसके बाद में ना अब घर परिवार सब छूट गया, क्या ये अगर ये दिन दिखाने होते हैं तो बाहर बोर्ड लगा दे कि उत्तराखंड में आना बंद मना है, किसी को बाहर वालों को मत आने दो, क्यों नहीं बोलते वो लोग।
कर्ज होने की वजह से दिल्ली से भागकर एक युवक जान देने के लिए ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पहुंच गया। वहीं सही समय पर सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को रामझूला पुल से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने युवक को उसके भाई को सौंप दिया है। आपको बता दें कि लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष वीरेंद्र रमोला ने बताया कि दिल्ली निवासी संजय सिंह ने फोन करके उन्हें अपने भाई अभय के लापता होने की जानकारी दी थी। वहीं जब पुलिस ने अभय की लोकेशन ढूंढी तो अभय की लोकेशन लक्ष्मण झूला क्षेत्र पता चली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फोटो और लोकेशन के आधार पर कुछ देर में ही अभय को बरामद कर लिया। पूछताछ में अभय ने बताया कि कर्ज की वजह से वो मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। तो ऋषिकेश में युवक दिल्ली से भागकर ऋषिकेश पहुंचा, जहां पर वो कर्ज से होकर परेशान था, लक्ष्मण झूले पर पहुंच गया। उसके भाई ने जब पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, जिसके बाद लोकेशन लक्ष्मण झूले की मिली, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए और तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर उसको पहुंचकर बरामद कर लिया और उसके भाई को अब सौंप दिया गया है। नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली के नेतृत्व में मलिताल स्थित पंत पार्क में उत्तराखंड प्रदेश और नैनीताल जिले में आई प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पंत पार्क में शोक सभा का आयोजन किया गया और मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं हाथों में मोमबत्ती लिए हुए। आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचाई थी, ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान नैनीताल में हुआ है। तो अब तक इस आपदा में जितने लोगों की जान गई है उसके लिए ये पंत पार्क में शोक सभा का आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजन किया गया था, जिसमें सभी को श्रद्धांजलि दी गई है। नैनीताल में कुमाऊं लॉज में भारी बारिश से हुए भूस्खलन से 5 परिवारों के मकान मलबे की वजह से जमींदोज हो गए हैं, जिन्हें बिड़ला स्कूल प्रशासन की तरफ से रात में ही सुरक्षित भवन में शिफ्ट कर दिया गया था। और आज व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन शाह हेमंत रुबाली के नेतृत्व में और कांग्रेस कमेटी नैनीताल के अध्यक्ष अनुपम कवटवाल ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हाल जाना। वहीं मौके पर लगभग 10 से 12 दिन की राशन की व्यवस्था भी कराई गई है। तो नैनीताल में बारिश के बाद जितनी तबाही मची उसको देखते हुए जिन लोगों के घर मलबे में दब गए थे उन्हें पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। उनके खाने पीने की रहने की सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पौड़ी में कीर्ति नगर पुल से एक युवक ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। वाहन सवार कुछ समझ पाते तब तक युवक कूद चुका था। फिलहाल श्रीनगर पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस युवक की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक युवक का कुछ नहीं पता चला है। तो इसी पुल से तस्वीरें देख सकते हैं, यहीं से युवक ने छलांग लगा दी नदी में। हालांकि वजह क्या थी, युवक किस चीज़ को लेकर परेशान था या ये कदम क्यों उठाया, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लगातार टीमें उस युवक की तलाश में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस युवक की लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अब तक युवक का कुछ भी नहीं पता चल पाया है। आज सुबह 9:30 बजे चौकी बाजार श्रीनगर में सूचना मिली कि एक लड़के ने कीर्तिनगर के बगल में पुराना पुल है वहाँ से नदी में छलांग मार दी है। तो उसमें जानकारी ली गई तो मालूम चला कि जिस लड़के ने छलांग लगाई थी उसका नाम कैलाश सिंहवाल है, उम्र इसकी 29 वर्ष है और इस संबंध में अभी जाँच की जा रही है कि किस कारण से उन्होंने छलांग लगाई है। मौके पर एसडीआरएफ और गोताखोरों द्वारा जो है तलाश और अभियान जारी है। उत्तराखंड में पिछले दिनों आई आपदा में मृतकों की संख्या बढ़कर 62 हो चुकी है। गुरुवार को बागेश्वर जिले की सुंदर ढूंढा घाटी में 4 पर्यटकों की मौत की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर जिले के पिंडारी, सुंदर ढूंढा और कपनी ग्लेशियर क्षेत्र में अभी भी 54 लोग फंसे हुए हैं। वहीं सुंदर ढूंढा घाटी में मैकतौली भानूटी ग्लेशियर के आसपास ट्रैक पर गए 4 पर्यटकों की मौत हो चुकी है और 2 पर्यटक लापता है। ये जानकारी उनके साथ बतौर पोर्टर
सुंदर डूंडा से सुरेंद्र सिंह ने दी है। आपको बता दें कि कफनी ग्लेशियर पार्क में 20 गांव वाले भी फंसे हुए हैं। जिला सूचना अधिकारी कार्यालय ने भी इसकी पुष्टि की है। तो अभी भी लगातार उत्तराखंड में हालात खराब बने हुए हैं। हालांकि राहत बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन बागेश्वर जिले के ग्लेशियर क्षेत्र में अब भी 54 लोग फंसे हुए हैं। और पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में अब तक 62 लोगों की जान जा चुकी है और कई पर्यटक भी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं इस आपदा में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई लोगों के अभी भी फंसे होने की जानकारी मिल रही है। भारत चीन सीमा पर लापता 3 पोर्टरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें पोर्टर आईटीबीपी गश्ती दल के साथ सीमा पर गए थे। पोर्टरों के शव आईटीबीपी की नीला पानी चौकी से 1.5 किलोमीटर दूर सीमा की ओर बर्फ में दबे मिले हैं। शवों के बरामद होने की सूचना आईटीबीपी प्रशासन ने हर्षल थाने में दी है। ऐसे में SSP मणिकांत मिश्रा ने बताया कि शवों को उत्तरकाशी लाया जाएगा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 15 अक्टूबर को आईटीबीपी की टीम 4 पोर्टरों के साथ नियमित गश्ती के लिए भारत चीन सीमा पर स्थित नीला पानी चौकी से सीमा के लिए रवाना हुआ था। वापसी के दौरान बर्फबारी के चलते पोर्टर राजेंद्र सिंह, संजय सिंह और दिनेश चौहान गश्ती टीम से बिछड़ गए थे, जबकि चौथा पोर्टर गश्ती टीम के साथ नीलापानी चौकी लौट आया था। इन 3 पोर्टरों की तलाश में 18 अक्टूबर को 5 अन्य पोर्टर भेजे गए थे। ऐसे में आईटीबीपी के द्वितीय कमान अधिकारी निहाल सिंह भंडारी ने बताया कि लापता चल रहे 3 पोर्टरों को बुधवार शाम को उन 3 का शव बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पोर्टर रास्ता भटक गए थे। जिस स्थान पर शव मिले हैं वो स्थान चौकी से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में 3 के शवों को निलांग पोस्ट पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही आईटीबीपी की ओर से इन पोर्टरों के परिजनों को बुधवार देर शाम को सूचना दे दी गई थी। भारी बारिश के बीच रुकी हुई चार धाम यात्रा एक बार फिर से सुचारू हो गई है। आपको बता दें मौसम सामान्य होते ही यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार से केदारनाथ धाम यात्रा शुरू कर दी गई है। 2 दिन बाद मौसम साफ होते ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में बुधवार को गुप्त काशी, सिरसी और पाटा हेलीपैड से 7 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। साथ ही 18 और 19 अक्टूबर को जिन यात्रियों ने हेली टिकटों की बुकिंग कराई थी पहले उन्हें केदारनाथ भेजा गया है। आपको बता दें कि अब तक लगभग 14,000 तीर्थ यात्रियों ने हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचकर दर्शन कर लिए हैं। जिन यात्रियों ने 18 और 19 अक्टूबर को हेली सेवा की टिकट बुक कराई थी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पहले हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के दर्शन के लिए भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम साफ हो रहने पर प्रतिदिन 1,000 से 1,200 तक यात्रियों को हेली सेवा से केदारनाथ जाने की क्षमता रखी गई है, लेकिन 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट होने की वजह से हेली सेवा का संचालन बाधित रहा था। इस बार कोविड महामारी की वजह से आपको बता दें चार धाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू हुई थी, जबकि केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी, पाटा हेलीपैड से हेली सेवा का संचालन 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया था। साथ ही 7 कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक 14,000 यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने बुधवार को राजधानी के हाथी बड़कला इलाके से दुर्लभ प्रजाति के सांप ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक सांप को पकड़ा है, जिसके बाद ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने शामिल विशेषज्ञ रवि जोशी और जितेंद्र बिष्ट को हाथी बड़कला निवासी गायत्री सहगल ने जानकारी दी थी कि बुधवार को उनके घर में सांप निकला था। जानकारी मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांप को पकड़ना चाहा तो सांप ने लंबी छलांग लगा दी, जिसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू टीम ने जैसे तैसे कर सांप को पकड़ लिया। पकड़े गया सांप ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक था, जो फिलहाल राजधानी दून में दूसरी बार मिला है। ऐसे में भारतीय वन्य जीव संस्थान के विज्ञानी डॉक्टर अभिजीत दास ने के अनुसार ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक
अमूमन घने जंगलों के बीच पेड़ों की डालियों पर रहता है। ये सांप एक डाली से दूसरी डाली के बीच लंबी छलांग लगा सकता है। इसकी वजह से इसे उड़ने वाला सांप भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ब्रॉन्ज ब्रेक ट्री स्नेक किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होने पर अपना रंग भी बदल सकता है। साथ ही बेहद पतला होने की वजह से ये पेड़ की टहनियों में छिप सकता है और इसकी सिर चौड़ा और देह चपटी और गोल होती है। अन्य सांपों की तुलना में इसकी आंखें थोड़ी बड़ी और पूंछ लंबी तार जैसी होती है। आपको बता दें कि ब्रॉन्ज ब्रेक ट्री स्नेक भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में भी पाया जाता है। इसका पसंदीदा भोजन मेंढक और छिपकली है। हालांकि कोबरा करेज जैसे जहरीले सांपों की तरह ब्रॉन्ज ब्रेक ट्री स्नेक बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है। इसके काटने का इंसान या अन्य जीवों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।